नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण विश्व हिंदू परिषद के उच्च पदाधिकारियों ने 6 माह पूर्व गोरक्षा की पुरानी समिति को भंग करके नई समिति का निर्माण किया है, जिसका एक ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है। इस बात की जानकारी नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष गोरक्षा विभाग गोरेस्ट प्रांत मोहन उपाध्याय ने शनिवार के दिन नगर के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि प्रांत प्रमुख के रूप में तारकेश्वर जी, क्षेत्रीय मंत्री नागेंद्र जी तथा अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण समिति में शामिल हैं। मोहन उपाध्याय ने बताया कि पुरानी समिति बार बार समाज व लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए विवाद करती है कि हम पहले से हैं। हमने राष्ट्रीय टीम में घोषित किया है कि जबकि सच्चाई यह है कि गोरखा विभाग में राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रांत अधिकारी घोषित करने का अधिकार ही नहीं है। गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद का एक आयाम है, इसलिए न्यास का चयन और गोरक्षा प्रमुख का चयन करने का अधिकार विश्व हिंदू मुस्लिम परिषद को है। इसलिए न्यास का चयन और गोरक्षा प्रमुख का चयन करने का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को है। जो नई समिति बनी है उसका चयन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गोरखपुर में बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री दिनेश उपाध्याय तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र जी ने घोषित किया है। इसलिए आज यह अवगत कराना है कि कोई भी प्रशासनिक सहयोग व गोवंश के रक्षण संवर्धन के लिए कोई नीति निर्धारण नई समिति ही करेगी। पुरानी समिति समाज को धोखा देकर कार्य कर रही है, तो विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत जिम्मेदार नहीं होगा। हमें लगाने की कोई आवश्यकता है, उत्तर प्रशासन हम आगा कर रहे हैं और हम अपने संगठन के रीति नीति के अनुसार काम कर रहे हैं। हमारे तहत जिन लोगों को दायित्व दिया जा रहा है, दिया जाएगा, जो है कार्यकर्ता के विश्व ऊपर से अपने में हर जगह व्याप्त है और वहाँ हर जिले स्तर पर ये बनाने के प्रावधान है, क्योंकि किसी को स्वतंत्र रूप से कोई समिति बनाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के केंद्र से लेके और जिले तक सारे आयाम विश्व हिंदू परिषद जो इकाई वही बनाती है। जिले में विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मंत्री बनाएंगे, प्रांत में विश्व हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री, जिला प्रांत मंत्री प्रांत अध्यक्ष बनाएंगे। हम किसी को बनाने का उसमें प्रावधान है, पहला नियमावली की है, इस नियमावली में दर्ज है और इसके साथ एक ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट के माध्यम से तमाम गोवंश से संबंधित सेवा के काम होते हैं, चाहे गो उत्पाद बनाए जाते हैं, खाद्य सामग्री बनाती है जाती है और दवा वगैरह बनाए जाते हैं गोमूत्र से, वो सब होता है इसके माध्यम से। इसके से तमाम गोरक्षा के साथ साथ आयाम है, कृषि से संबंधित किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो सब विश्व परिषद के अंतर्गत आता है। हम इसमें कोई अगर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई अपने को कहता है तो हम उसको हमको नहीं मानना है और आप लोगों को भी हम आगाह करते हैं आप उसको कहीं मानना जिससे आप तारगनी करेंगे जी, वो जिसका हाँ है, जिस पास है, काम है इसमें, इसमें नाम तो आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ चैनल वालों को हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मोहन उपाध्याय गोरक्ष प्रांत गोरक्षा विभाग का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद से, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आजमगढ़ जिले में बुलाई गई है। चूँकि हमारे संगठन की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर क्षेत्र में 21 जिले आते हैं जो है, उसके अंतर्गत अपना इधर मऊ, आजमगढ़, लालगंज ये भी जिला आते हैं। चूँकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोगों के बीच में किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित गोरक्षा विभाग की एक समिति गोरखपुर प्रांत में कार्य कर रही थी। पूर्व में संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण विश्व हिंदू परिषद के जो उच्च अमलों के अधिकारी थे, उच्च स्तर के अधिकारी थे, 6 महीने पहले उस गोरक्षा विभाग की समिति को भंग कर दिया गया करके एक नई समिति का निर्माण कराया, जिसका एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है कराया गया है, जिस ट्रस्ट की कॉपी जो है ये यहाँ पर आप लोगों के सामने कॉपी है, और इस कॉपी में प्रांत के अध्यक्ष के रूप में मैं मोहन उपाध्याय हूँ। हमारे प्रांत के
प्रांत प्रमुख के रूप में आदरणीय श्री ताकेश्वर जी भाई साहब हैं, गो विज्ञान परीक्षा जो कराया समिति द्वारा विश्व हिंदू परिषद द्वारा कराया जाता है, गो रक्षा विभाग के द्वारा, उसके प्रांत के प्रमुख जो है आदरणीय श्री प्रभाकर मिश्रा जी हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु हैं। और ये रजिस्टर जो है कि गोरखपुर कार्यालय के पते से, जो कि कमिश्नरी के पास जो है, रोडवेज के पास जो बना है कार्यालय, उस पते के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। परंतु इसकी पुरानी समिति छह महीने पहले जो है भंग कर दी गई है, लोगों को दिग्भ्रमित करके, धोखा दे करके और समाज को धोखा दे करके बार बार जो विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। उससे पहले उन लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद जी भाई साहब जो हैं, उनकी समिति को उन्होंने घोषित किया है, जबकि इस बायलाज के तहत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रांत की समिति को जो है घोषित करें, जो है उनको, उनके पास ये अधिकार नहीं है, जो कि एक बायलाज के तहत दिया हुआ है। गोरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद एक आयाम है, इसलिए न्यास का चयन और गोरक्षा प्रमुख का चयन करने का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को है। जो नई समिति बनी हुई है उसका चयन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गोरखपुर के बैठक के उपरांत विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री दिनेश उपाध्याय जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री गजेंद्र जी भाई साहब ने घोषित किया है। इसलिए आज आप लोगों के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी प्रशासनिक सहयोग व गोवंश रक्षण संवर्धन के लिए कोई भी नीति निर्धारण करने का कार्य नई समिति के द्वारा ही किया जाएगा। जो है पुरानी समिति समाज को धोखा देकर के कोई भी कार्य करती है तो विश्व हिंदू परिषद और रक्षा विभाग उसका जिम्मेवार नहीं होगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।